Hey guys, good morning. This is Dhirendra Kumar, and just you are watching YouTube channel English by DS. तो मेरे प्यारे दोस्त, जैसा कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने गणना किया था, ओके? और उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करके बताया भी था. आज हम लोग जहाँ से पिछले वीडियोस को छोड़ा था, हम लोग वहीं से शुरू करेंगे. जैसा कि अगर मैं वाइंड अप करने की कोशिश करूँ, वो मैं इसे साफ कर दूँ. ओके, अगर मैं वाइंड अप करने की कोशिश करूँ तो मैंने आपको टॉपिक नंबर 8 पढ़ाया था, और शायद मैंने आपको टॉपिक नंबर 8 के बारे में डिस्कस किया था. और उस टॉपिक नंबर 8 में हमने डिस्कस क्या किया था सर? डिस्कस ये किया था कि अनकाउंटेबल नाउन होता है, ओके, अनकाउंटेबल नाउन होता है जो एंड से जुड़ा होता है. जो अनकाउंटेबल नाउन होता है जो एंड से जुड़ा होता है, और ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन अगर यूनिट को शो करे, अगर यूनिट को शो करे, तो इसके साथ में आने वाला जो वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, ओके? और दूसरा इसका बताया था क्या कि अगर ये अनकाउंटेबल नाउन, दो अनकाउंटेबल नाउन हो और दोनों के दोनों एंड से जुड़े हो, लेकिन लेकिन ये दोनों के दोनों अनकाउंटेबल नाउन यूनिट को ना शो करके आइटम वाइज शो किए जा रहे हो. आइटम वाइज कहने का मतलब है भाई साहब कि ये अपने आप में एक नाउन होगा और ये अपने आप में एक नाउन होगा, तो दोनों को मिलाकर तो दो नाउन हो गए. और अगर बात करें तो इस नाउन का और इस नाउन का जो मैटर होगा बिल्कुल डिफरेंट होगा. अगर ये डिफरेंट होगा तो चीजें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से शो करेंगे, ओके? चीजें भी बिल्कुल डिफरेंट टाइप से शो करेगा. तो उस समय ये किस तरह से यूज किया जाएगा? आइटम वाइज यूज किया जाएगा, आइटम वन और ये आइटम टू. अब जरा सोचे कि आइटम वन और आइटम टू, एक और एक दो, ऐसे ही मिलाने के बाद ये हो गया प्लूरल. तो ये हमेशा यूज जब किए जाते हैं तो आइटम वाइज यूज किए जाते हैं, और आइटम वाइज यूज किए जाते हैं तो इसके साथ में आने वाला हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल? तो आपने कहा मेरे दोस्त कि हमेशा क्या होगा? प्लूरल. इसके साथ में सिंगुलर कभी अप्लाई नहीं होगा. और मैंने आपके साथ में एक क्वेश्चन भी शेयर किया था, आप लोगों ने शायद देखा होगा, तो बहुत सारे कमेंट्स भी किए हैं, ओके? मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करता हूं. देखिए क्वेश्चन क्या था. क्वेश्चन ये था कि फेक एंड ओरिजिनल गोल्ड या गोल्ड्स इज या आर इजी टू आइडेंटिफाई, ओके? आपने चीजों को देखा कि फेक एंड ओरिजिनल गोल्ड या गोल्ड्स इज या आर इजी टू आइडेंटिफाई. भाई साहब, हम लोगों को इसमें से चुनना है कि भाई साहब यहाँ पे जो लिखे हुए हैं उसमें से क्या होगा, और यहाँ पे जो लिखे हुए हैं उसमें से क्या होगा, ओके? अगर हम लोग बात करें इसकी, ओके, तो चाहिए कुछ भी हो ये अपने आप में है क्या? अनकाउंटेबल नॉन है. अनकाउंटेबल नॉन है, तो अनकाउंटेबल नॉन का तो जाहिर सी बात है भाई साहब, अनकाउंटेबल नॉन का तो प्लूरल होता ही नहीं है सर. अनकाउंटेबल नॉन का तो प्लूरल होता ही नहीं है. चलिए एक छोटा सा बात अगर हम लोग कर लें, ये अगर गोल्ड या गोल्ड्स की बात करें तो किस तरीके से यूज किया जा रहा है? फेक एंड ओरिजिनल. एक क्या है? एक फेक है, और एक क्या है? एक ओरिजिनल है. मीन्स दो टाइप्स हो गए ना, एक ही वस्तु के दो टाइप्स हो गए, एक फेक है और एक अलग है. क्या लगता है कि फेक और ओरिजिनल बिल्कुल सेम होंगे? कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा ना. अगर डिफरेंट होगा उसमें तो एक अलग क्वालिटी को शो करेगा, दूसरा अलग क्वालिटी को शो करेगा. अगर दोनों के दोनों अलग अलग क्वालिटी को शो कर रहे हैं तो फेक गोल्ड अलग होगा, ओरिजिनल गोल्ड अलग होगा. अब जरा सोच कर देखिए कि अगर ये दोनों अलग अलग यूज किए जा रहे हैं, अलग अलग अगर यूज किए जा रहे हैं, तो फेक अपने आप में क्या बनेगा? एडजेक्टिव. ओरिजिनल भी अपने आप में क्या बनेगा? तो एडजेक्टिव, ओके? ये एडजेक्टिव वन है और ये एडजेक्टिव टू है, ये एडजेक्टिव वन है और ये एडजेक्टिव टू है. अगर हम लोग बात करें कि फेक गोल्ड या गोल्ड्स या ओरिजिनल गोल्ड या गोल्ड्स, तो जरा सोचिए कि फेक गोल्ड या गोल्ड्स या ओरिजिनल गोल्ड या गोल्ड्स ये क्या यूज किए जा रहे हैं? तो आइटम वाइज यूज किए जा रहे हैं. अगर ये आइटम वाइज यूज किए जा रहे हैं तो आइटम वन और ये आइटम
अब जरा सोच कर देखिए सर कि अगर ये आइटम वाइज यूज किए जा रहे हैं तो भाई साहब आप किसके बारे में बतलाने की कोशिश करोगे, किसके बारे में बतलाने की कोशिश करोगे आप, इसके बारे में बतलाने की कोशिश करोगे? तो जरा सोचिए कि गोल्ड होगा या गोल्ड्स होगा। अगर आप गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड फेक है या ओरिजिनल है ये बदलाओगे आप, या गोल्ड्स फेक है या ओरिजिनल है ये बदलाओगे आप? तो भाई साहब आप तो जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पे कहोगे सर कि अगर हम लोग बात करते हैं गोल्ड की तो गोल्ड का तो प्लूरल होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने आप में अनकाउंटेबल होना, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे गोल्ड्स अपने आप में क्या होगा, गलत। अगर गलत होगा तो गोल्ड क्या होगा, सही। ओके अब देखिए फेक एंड ओरिजिनल गोल्ड, तो फेक गोल्ड अलग हुआ ओरिजिनल गोल्ड अलग हुआ, तो ये दोनों मिलाकर आइटम वाइज यूज किए गए। अगर आइटम वाइज यूज किए जाते हैं मेरे दोस्त, तो जरा समझिए कि आइटम वाइज यूज किए जाने पर ये जो वर्ब आने वाला है वो वर्ब अपने आप में क्या होगा, तो वो वर्ब अपने आप में हमेशा क्या होगा, प्लूरल। हम लोग यहाँ पे यूज का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। फेक एंड ओरिजिनल गोल्ड आर इजी टू आइडेंटिफाई। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सर इसको देखते हैं इसको देखते हैं, बस बोलते ये हैं कि सर ये दोनों आइटम वाइज यूज किए जा रहे हैं, आइटम वाइज यूज किए जा रहे हैं, ये प्लूरल है और प्लूरल यहाँ पे चूज कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि भाई सब हम जो यूज कर रहे हैं वो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है, सेंस बेस्ड है। हम लोग इसे लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, रट्टाबाजी ऐसे जगहों पर काम नहीं चलता भाई। इसीलिए तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं मेरे दोस्त कि हम जो आपके साथ में वीडियो शेयर करेंगे सिर्फ लॉजिक बेस्ड होगा, नो रूल्स, कोई रूल लफाड़े की टेंशन नहीं होगी इसमें। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा क्या कि अगर हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो भाई साहब बहुत इजी होता है। सिर्फ कैसे, हम लोग को सिर्फ सेंस लगाने की जरूरत होती है, सेंस लगाने बहुत कंटेंट बिल्कुल इजी हो जाता है मेरे भाई। तो चलिए बातें यहाँ तक इसको समाप्त करते हैं। ये टॉपिक नंबर 8 का एक क्वेश्चन छूट गया था। ओके और मैंने आपको कल एक बात बताया था, बात क्या बताया था कि भाई साहब हम लोग गणना करने वाले हैं टॉपिक नंबर 7 और टॉपिक नंबर 8 की। ओके याद आया होगा शायद आप लोगों को कि हमने ऐसा लास्ट वीडियोस में जाते जाते बोला था आप लोगों को कि हम लोग कल जो गणना करने वाले हैं वो गणना कुछ यूं होगी कि एक टॉपिक नंबर 7 जो पढ़ा था सो और एक टॉपिक नंबर 8 जो पढ़ा था सो दोनों को मिलाकर एक जगह पर पढ़ने वाले, दोनों को कंबाइन करके पढ़ने वाले हैं। ओके तो चलिए देखते हैं क्या है सर कंफ्यूजन रिलेटेड टॉपिक नंबर 7 एंड टॉपिक नंबर 8। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें क्योंकि मैं आज आपसे प्रॉमिस करता हूं कि सर आप आपका पूरा। चलिए अब हम लोग बातें करते हैं कंफ्यूजन रिलेटेड टॉपिक नंबर 7 एंड टॉपिक नंबर 8। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि टॉपिक नंबर 8 जो हमने बनाया था आपको इसके बारे में बताया, इसमें था क्या, इसमें कुछ खास तो हुआ नहीं सर, बस इतना याद रखिएगा कि हमें कॉन्टेक्स्ट पे भी ध्यान देना है, लॉजिक पे भी ध्यान देना थोड़ा बहुत, क्योंकि सर अगर चीजों को हम लोग रट के करते हैं तो भाई साहब रट के हम लोग बोर्ड पास कर सकते हैं, रट के हम लोग कॉम्पिटिशन नहीं पास कर सकते। ओके कॉम्पिटिशन को अगर क्रैक करना भाई साहब तो याद रखिएगा कि चीजों को हमें लॉजिकली समझ कर और हमें उसे अंडरस्टूड करके ही चलना पड़ेगा बहुत ध्यान से। ओके क्योंकि हमें ऐसे रट कर तो क्लास कर नहीं सकते, इन सभी चीजों को रट कर तो समझ सकते नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लासेस को स्टार्ट कर। तो देखिए हेडलाइन है टॉपिक नंबर 9। ओके हेडलाइन है टॉपिक नंबर 9 और इस 9th नंबर टॉपिक में भाई साहब आप लोग टॉपिक वाइज नोट करते हुए चलिएगा। ओके टॉपिक को मेंशन करते हुए चलिएगा। ओके इस समझने में चीजों को काफी आसानी होगी, काफी ज्यादा सहूलियत मिलने वाला आप लोगों को अगर टॉपिक वाइज नोट। तो देखिएगा आखिर वो चीजें थी क्या, चीजें थी क्या टॉपिक नंबर 7 और टॉपिक नंबर 8 में। टॉपिक नंबर 7 में हमने आपको पढ़ाया क्या था सर, पढ़ाया था नियॉन काइंड, याद आया होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था टॉपिक नंबर 7 में नॉन काइंड, और यहाँ पे भी हम लोगों ने पढ़ा था क्या नॉन काइंड या टाइप्स। ओके नॉन काइंड या नॉन टाइप्स,
ये दोनों चीजों को हम लोगों ने कवर कर रखा है टॉपिक नंबर 7 और टॉपिक नंबर 8 में। हम दोनों क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या करने वाले टॉपिक नंबर 7 और टॉपिक नंबर 8 से रिलेटेड एक कंफ्यूजन, देखिए जो कंफ्यूजन आप लोगों को होता है ना, हम लोग उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कंफ्यूजन, देखिए हम लोगों ने इसका नाम ही दिया, नाम ही दिया क्या, कंफ्यूजन रिलेटेड टॉपिक नंबर 7 एंड टॉपिक नंबर 8। भाई साहब इसमें गलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए बने रहे इस वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए सर इधर से शुरू करते हैं, नॉन टैप्स जिसमें हमने आपको क्या पढ़ाया, पढ़ाया कॉन्टेबल नॉन, और क्या पढ़ाया अन कॉन्टेबल नाउ, कॉन्टेबल नॉन और अनकाउंटेबल नॉन। याद आई आपको बातें कि सर हम लोगों ने पढ़ा क्या है, पढ़ा है काउंटेबल नॉन और अनकाउंटेबल नॉन। आखिर ये चीजें हम लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है सर? भाई साहब मैं इस रहस्य का पर्दाफाश करने वाला हूं, बने रहे इस वीडियो के लास्ट। देखिए रहस्य क्या है, रहस्य ये है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ में कौन कौन से नॉन के काइंड जो है, कौन कौन से नॉन के काइंड जो है बिल्कुल सपोर्ट करने वाले हैं, मीन्स कौन सा नॉन किस नॉन के अंतर्गत आता है, इसके थ्रू कौन सा नॉन किसके थ्रू आता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए भाई साहब, एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने नाम दिया प्रोपर नॉन, ओके प्रोपर नॉन, आप जरा बताएं हमें ये कि प्रोपर नॉन अपने आप में कौन सा नॉन है, प्रॉपर नॉन अपने आप में कौन सा नॉन है, आप उसे काउंटेबल नाम देंगे या अनकाउंटेबल नाम देंगे, जरा सोचिए। प्रॉपर नॉन अपने आप में कौन सा नाम है, मतलब कि कौन सा नॉन है, वो नॉन काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा, जरा सोचिए, सोचिए इस चीज को कि भाई साहब ये है क्या। ओके मैं बताता हूं कि भाई साहब प्रॉपर नॉन अपने आप में कौन सा नॉन है, काउंटेबल नॉन है या अनकाउंटेबल नॉन है। ओके तो देखिए भाई साहब अगर हम लोग बात करते हैं तो काउंटेबल काउंटेबल नॉन जो होता है, ओके मैं इसे साफ कर दूं, काउंटेबल नॉन जो होता है वो काउंटेबल नॉन जिसका सिंगुलर भी हो सकता है, और अगर सिंगुलर भी हो सकता है तो उसका प्लूरल भी पॉसिबल है, मतलब काउंटेबल नॉन वो होता है जिसका सिंगुलर भी पॉसिबल है और काउंटेबल नॉन वो होता है जिसका प्लूरल भी पॉसिबल है। ये तो बेहद आसान सी बात है, ओके ये तो बेहद आसान सी बात है। और अनकाउंटेबल नॉन क्या होता है सर, अनकाउंटेबल नॉन क्या होता है, इसका सिंगुलर ही पॉसिबल नहीं है। अगर सिंगुलर ही पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त तो जरा बताएं कि इसका प्लूरल बनाया जा सकता है क्या, तो नहीं, ना तो इसका सिंगुलर पॉसिबल है और ना तो इसका प्लूरल पॉसिबल है। ओके हम लोग तो इसे कंसीडर करके चलते हैं कि भाई साहब ये अपने आप में सिंगुलर होता है, हम लोग तो ऐसा कंसीडर करके चलते हैं कि अनकाउंटेबल नॉन अपने आप में सिंगुलर होता है, लेकिन एक्चुअली ये होता क्या है, ये एक्चुअली ना तो सिंगुलर होता है और ना ही ये प्लूरल होता है। हम लोग बस कंसीडर करके चलते हैं कि भाई साहब अनकाउंटेबल नॉन अपने आप में कैसा होता है, तो सिंगुलर होता है, ये होता नहीं है एक्चुअली, हम लोग इसे कंसीडर कर लेते हैं, ये तो ना तो सिंगुलर होता है और ना ही ये प्लूरल होता है। ओके चलिए तो हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने बात किया क्या कि भाई साहब आप प्रॉपर नॉन के बारे में क्या बताना चाहेंगे कि प्रॉपर नॉन अपने आप में काउंटेबल नॉन है या अनकाउंटेबल नॉन है। जरा ध्यान से देखिएगा कि मैंने कहा रोहित इज माई बेस्ट फ्रेंड, रोहित इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब जरा सोचिए कि हमने आपको पढ़ाया क्या था भाई साहब, प्रॉपर नॉन का प्लूरल पॉसिबल नहीं है। याद आया आपको कि सर प्रॉपर नॉन का प्लूरल पॉसिबल नहीं है। अब जरा सोचिए कि प्लूरल पॉसिबल नहीं है, क्या आप इस रोहित का कर सकते हैं रोहित, क्या आप इस रोहित को रोहित लिख सकते हैं क्या, जरा सोचिए इस बात को। अगर आप इस रोहित को रोहित नहीं कर सकते, रोहित को रोहित नहीं कर सकते, मींस यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं रोहित, तो रोहित इज माय बेस्ट फ्रेंड, हु इज माय बेस्ट फ्रेंड, तो रोहित, रोहित अपने आप में क्या है, तो रोहित अपने आप में सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट है भाई सब, कौन सा ये वर्ड, वर्ड कौन सा है, नाउन है, नाउन में कौन सा नाउन है, तो प्रॉपर नाउन है सर,
ओके अगर ये प्रॉपर नाउन है मेरे दोस्त, तो जरा इस बात को गौर कीजिए कि कौन सा नाउन है, तो प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन का तो प्लूरल पॉसिबल ही नहीं है। अब जरा सोचिए कि सर जिसका प्लूरल पॉसिबल नहीं है, जिसका प्लूरल पॉसिबल नहीं है, वो नाउन अपने आप में कैसा होता है? वो तो अनकाउंटेबल होता है। आपको तो ये गलना बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रही होंगी। हमने आपको बताया था कि देखिए एक सिंगुलर होता है, और सिंगुलर का अगर प्लूरल पॉसिबल है, सिंगुलर का प्लूरल पॉसिबल है, तभी वो क्या कहलाएगा? काउंटेबल नाउन कहलाएगा। अगर ये सिंगुलर है और इसका प्लूरल पॉसिबल नहीं है, तब ये नाउन अपने आप में कौन सा नाउन कहलाएगा? ये नाउन अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगा। तो जरा सोचिए कि सर प्रॉपर नाउन अपने आप में कौन सा नाउन हुआ भाई साहब? प्रॉपर नाउन तो अपने आप में ऑफ कोर्स ये अनकाउंटेबल नाउन हुआ। ओके पहला बात समझ में आया सर कि अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में पहला आया प्रॉपर नाउन। चलिए ये गल्ला हुई भाई साहब। अगर बात करें हम लोग कॉमन नाउन की, अगर हम लोग बात करें कॉमन नाउन की, तो कॉमन नाउन का सिंगुलर भी पॉसिबल होता है और प्लूरल भी पॉसिबल होता है। जैसे हमने कहा कि क्लास, तो क्लास अपने आप में क्या है सर? एक कॉमन नाउन है। क्लास अपने आप में तो कॉमन नाउन है, तो क्लास का प्लूरल क्या हो जाता है? क्लासेस। तो इसका सिंगुलर भी पॉसिबल है और प्लूरल भी पॉसिबल, तो क्लास का अपने आप में कॉमन नाउन हुआ ना। अगर क्लास अपने आप में कॉमन नाउन हुआ, तो क्लास का सिंगुलर भी पॉसिबल है और प्लूरल भी पॉसिबल है, तो काउंटेबल नाउन की दुनिया में कौन आया? कॉमन नॉन। पहला ये बातें समझ में आई कि भाई साहब यहां पे अनकाउंटेबल की दुनिया में कौन आया? प्रॉपर नॉन। प्रॉपर नॉन, याद रखिएगा इस बात को मेरे दोस्त, कि प्रॉपर नॉन अपने आप में कैसा हुआ? तो अनकाउंटेबल। दूसरा, कॉमन नॉन अपने आप में कैसा हुआ? तो काउंटेबल। क्यों सर? क्योंकि इस कॉमन नॉन का सिंगुलर भी पॉसिबल है और इस कॉमन नॉन का प्लूरल भी पॉसिबल है। इस कॉमन नॉन का सिंगुलर भी पॉसिबल है और इस कॉमन नॉन का प्लूरल भी पॉसिबल है, इसलिए ये अपने आप में क्या हुआ? इसलिए अपने आप में हुआ काउंटेबल नॉन। ओके दूसरा एक बात और समझिएगा कि एक बात मैंने और बताया था क्या, कि जब इस प्रॉपर नॉन को हम लोग यूज करते थे कॉमन नाउन की तरह, जब ये प्रॉपर नाउन को हम लोग यूज करते थे प्रॉपर नाउन सॉरी जब ये प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाता था, तब तो हम लोग उसका प्लूरल बना सकते थे। अब प्लूरल बना सकते थे, लेकिन कब सर? अब जरा सोचिए, हमने कहा कि देयर आर फोर रोहित्स इन माई क्लास। इस बात को जरा गौर से समझिएगा, देयर आर फोर रोहित्स इन माई क्लास। यहाँ पे हम लोग तो रोहित का प्लूरल बना रहे हैं सर। अब जरा सोचिए, रोहित इस क्लास में कितने हैं? तो चार हैं। एक रोहित, दो रोहित, तीन रोहित, चार रोहित। अब जरा सोचिए कि ये रोहित अपने आप में प्रॉपर है या कॉमन है? भाई साहब एक अपने आप में ये हुआ, इसी के जैसा कॉमन ये हुआ, इन दोनों के जैसा तीसरा कॉमन ये हुआ, इन तीनों के जैसा एक और कॉमन, चौथा कॉमन ये हुआ। अब जरा सोचिए, ये तो सब के सब अपने आप में कॉमन है। अगर ये भी सब के सब अपने आप में कॉमन है, तो जरा बताएंगे कि ये प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है? तो आपका जवाब आएगा कि सर जब प्रॉपर नाउन का यूज किस तरह से किया जाए, कॉमन नाउन की तरह किया जाए। जब प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह किया जाए, तब उसका प्लूरल हम लोग करते हैं। ओके तब तो उसका सिंगुलर और प्लूरल पॉसिबल है। लेकिन कब? तो बातें निकल कर आई क्या, कि जब प्रॉपर नाउन यूज्ड एज कॉमन नाउन, तब इसको किस श्रेणी में रखेंगे भाई साहब? इसको रखेंगे
कॉन्स्टेबल नॉन की दुनिया में आपको जरा बातें समझते हुए चलनी है सर। बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं हमेशा एग्जाम में। जैसे हमने आपको यहाँ पे क्या सिखाया, प्रॉपर नॉन। तो प्रॉपर नॉन अपने आप में क्या होता है, नेमो पर्टिकुलर। नेमो पर्टिकुलर मतलब किसी एक का। अब जब एक है तो क्या हम लोग उसे दो कर सकते हैं, वो तो ऑलरेडी एक है। दुनिया में जो एक चीजें होती हैं, क्या हम लोग जरा गौर से सोचिए कि इंडिया, अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया, बात करते हैं दिल्ली, ओके, तो क्या हम लोग इंडिया का इंडियाज कर सकते हैं, दिल्ली का दिल्लियाज कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो सर याद रखिएगा कि ये जो है अपने आप में है प्रॉपर नॉन नेम ऑफ द पार्टिकुलर, नेम ऑफ द पार्टिकुलर, ये पार्टिकुलर है सर, और इसका प्लूरल नहीं किया जा सकता है, ओके, इसका प्लूरल नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर प्रॉपर नॉन का यूज, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉपर नॉन का यूज हमने कॉमन नॉन की तरह किया है, तो इस कॉमन नॉन का प्लूरल ऐसे ऐसे सिचुएशंस में पॉसिबल है। तो याद रखिएगा कि सर काउंटेबल नॉन की दुनिया में प्रॉपर नॉन भी हो सकता है और कॉमन नॉन भी हो सकता है। जब प्रॉपर नॉन एज अ प्रॉपर नॉन आए तब वो अनकाउंटेबल होता है सर, लेकिन जब प्रॉपर नॉन कॉमन नॉन की तरह यूज किया जाए तब वो काउंटेबल होता है। कॉमन नॉन तो ऑलरेडी काउंटेबल होता है सर। अगर बात करते हैं हम लोग, अगर बात करें हम लोग मेटेरियल नॉन की, मेटेरियल नॉन की, तो मेटेरियल नॉन तो अपने आप में क्या होता भाई साहब, अनकाउंटेबल होता है। मैंने आपको इसके बारे में गलना भी किया था कि भाई साहब ये मेटेरियल नॉन, ये जो मटेरियल नॉन होता है, मटेरियल नॉन अपने आप में होता है अनकाउंटेबल नॉन। अगर मटेरियल नॉन अपने आप में अनकाउंटेबल नॉन है, कहने का मतलब इसका सिंगुलर और प्लूरल पॉसिबल नहीं है। हम लोग इसको सिंगुलर कंसीडर करके चलते हैं सर। इस बात को याद रखिएगा कि हम लोग जिस चीज को सिंगुलर कंसीडर करके चलते हैं उसका प्लूरल पॉसिबल नहीं है, और जिसका प्लूरल पॉसिबल ही नहीं है वो नॉन अपने आप में कैसा नॉन होता है सर, अनकाउंटेबल नॉन होता है। ओके, अगर बात करते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नॉन की, अगर बात करें हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नॉन की, तो थोड़ा सोच कर देखिए आप कि एब्स्ट्रैक्ट नॉन क्या होता है सर, फील ओनली। ओके, फील ओनली। अब जब चीजें फील ओनली हो रही हो, जब चीजें फील ओनली हो रही हो, जब चीजें फील ओनली हो रही हो, तो जरा गौर कीजिए क्या इसका प्लूरल पॉसिबल है भाई साहब। फील ओनली का प्लूरल कभी भी पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त। इसीलिए याद रखिएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नॉन भी किसकी दुनिया में आता है, तो हमेशा अनकाउंटेबल की दुनिया में ही आता है। ओके, आपको यहां से बातें समझ में आई? क्या समझ में आई सर, कि हमने आपको कंफ्यूजन रिलेटेड किससे किससे बताया, टॉपिक नंबर 7 और टॉपिक नंबर 8। टॉपिक नंबर 7 में हम लोगों ने पढ़ा था नॉन काइंस के बारे में, और टॉपिक नंबर 8 में हम लोगों ने पढ़ा काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में। भाई साहब इन दोनों में जो होती है कंफ्यूजन वो हमने यहाँ पे सिद्ध करके रख दिया। सिद्ध क्या किया सर, कि कॉमन नॉन अपने आप में कैसा नॉन होता है, तो काउंटेबल नॉन होता है। जब प्रॉपर नॉन का यूज कॉमन नॉन की तरह किया जाए तब वो अपने आप में कैसा नॉन होता है, तो काउंटेबल नॉन होता है मेरे भाई। अगर बात करें अनकाउंटेबल, तो जब प्रॉपर नॉन का यूज प्रॉपर नॉन की तरह किया जाए, जब प्रॉपर नॉन का यूज प्रॉपर नॉन की तरह किया जाए तो वो नॉन अपने आप में हमेशा कैसा नॉन होता है, तो अनकाउंटेबल नॉन होता है मेरे दोस्त। अगला है मटेरियल नॉन। मटेरियल नॉन दुनिया की हर वो चीज, मटेरियल नॉन दुनिया की हर खाने पीने वाली चीजें मटेरियल नॉन होती हैं, और मटेरियल नॉन हमेशा अनकाउंटेबल होती हैं। इस बात को याद रखिएगा। एक बात और याद रखिएगा क्या, कि सर मटेरियल नॉन में, मटेरियल नॉन में, मटेरियल नॉन जो होता है अनकाउंटेबल होता है। जैसे अगर मैं ले लू प्लास्टिक, ओके, प्लास्टिक अपने आप में क्या है सर, अनकाउंटेबल नॉन है। लेकिन प्लास्टिक से बनी हुई चीजें जैसे पेन, जैसे चेयर, ओके, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं प्लास्टिक से बनी हुई चीजें जो होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं प्लास्टिक से बनी हुई, जैसे पेन, चेयर, इन सभी का प्लूरल पॉसिबल। हम लोग इसका पेन्स भी करते हैं, इसका चेयर्स भी कर सकते हैं सर। ओके, तो याद रखिएगा मटेरियल नॉन से बनी हुई चीजें, मटेरियल नॉन के द्वारा बनाई गई चीजों का प्लूरल पॉसिबल हो सकता है। ओके, सॉरी, मटेरियल नॉन के द्वारा, मटेरियल नॉन के वस्तुओं के द्वारा अगर हम लोग किसी दूसरी चीज को बनाते हैं तो उन चीजों का प्लूरल पॉसिबल हो सकता है, लेकिन मटेरियल नॉन का प्लूरल कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। इस बात को याद रखिएगा मेरे दोस्त। तो चलिए इस चीज को हम लोग यहां से साफ करते हैं।
और चलते हैं हम लोग कुछ नई चीजों की तरफ। और अगला जो है हमारा वो है कलेक्टिव नॉन। कलेक्टिव नॉन को भाई साहब हम लोग इन दोनों की दुनिया से हटके मीन्स सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, और सेपरेट करके बहुत अच्छी अच्छी चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे कलेक्टिव नॉन की दुनिया में, क्योंकि कलेक्टिव नॉन अपने आप में बहुत बड़ा नॉन होता है और उससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आते रहते हैं। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने हेडलाइन देखा कलेक्टिव नॉन, कलेक्टिव नॉन। अब अगर हम लोग बात करते हैं सर कलेक्टिव नॉन मीन्स जिसको हम लोग कहते हैं कलेक्शन। ओके कलेक्शन, अगर हम लोग बात करें कलेक्शन की तो कलेक्शन का सिंगुलर होगा, कलेक्शन का प्लूरल होगा, कलेक्शन का सिंगुलर नहीं होगा, कलेक्शन का प्लूरल नहीं होगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि सर क्लास, ओके क्लास अपने आप में सिंगुलर है या प्लूरल है? तो सर क्लास तो अपने आप में सिंगुलर है, क्लास रिप्रेजेंट किसको करता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। तो क्लास अपने आप में सिंगुलर हुआ, इसका प्लूरल क्या होता है सर? क्लासेस। ओके इसका प्लूरल हुआ क्लासेस। अब जरा गौर कीजिए कि क्लास अगर सिंगुलर है तो इसका प्लूरल पॉसिबल है, तो क्लास अपने आप में कैसा नॉन हुआ? कलेक्टिव नॉन हुआ। ओके लेकिन अगर हम लोग बात करें सर, बात करें गैंग, क्या गैंग का प्लूरल पॉसिबल है? क्या गैंग का प्लूरल पॉसिबल है? क्या आप इसको कर सकते हैं गैंग्स? कर सकते हैं गैंग्स? तो इन्हीं चीजों को सीखने वाले हैं। तो हम लोग कलेक्टिव नाउन का दो केसेस बना लेते हैं, क्या कि एक में सिंगुलर और प्लूरल पॉसिबल होगा और एक में सिंगुलर और प्लूरल पॉसिबल नहीं होगा। तो देखिए एक बनाते हैं हम लोग कि पॉसिबल है, और एक में बनाते हैं कि श्योर नॉट पॉसिबल। जरा देखते हुए चलिए, वो चीजों को समझते हुए चलिएगा कि सर एक में पॉसिबल है, क्या पॉसिबल भाई साहब? इसका सिंगुलर भी और इसका प्लूरल भी, इसका सिंगुलर भी और इसका प्लूरल भी नहीं पॉसिबल है। क्या नहीं पॉसिबल है मेरे दोस्त? तो इसका सिंगुलर पॉसिबल नहीं है। अगर भाई मेरे, अगर इसका सिंगुलर पॉसिबल नहीं है तो क्या इसका प्लूरल बनाया जा सकता है सर? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। ओके जैसे कि अगर मैं बात करूं क्लास, तो इसका क्या बनेगा सर? क्लासेस। ओके तो अपने आप में क्या हुआ? एक कलेक्शन हुआ और इस कलेक्शन का प्लूरल हुआ। अब अगर हम लोग बात करते हैं सर कि क्लास का क्लासेस कर सकते हैं, क्लास का क्लासेस कर सकते हैं, तो जरा सोचिए कि ये कौन सा नॉन हुआ जिसका सिंगुलर और प्लूरल पॉसिबल हो, वो अपने आप में कैसा नॉन कहलाता है भाई साहब? तो वो अपने आप में कहलाता है काउंटेबल नाउन। कैसा नॉन मेरे दोस्त? तो जिसका सिंगुलर और प्लूरल पॉसिबल होता है वो नॉन अपने आप में होता है काउंटेबल नॉन, और जिसका सिंगुलर और प्लूरल पॉसिबल ना हो वो नॉन अपने आप में होता है अनकाउंटेबल नाउन। इन चीजों को जरा गौर से सीखते हुए चलिएगा। ओके जैसे कि जिसका सिंगुलर और प्लूरल पॉसिबल नहीं है उस चीजों को हम लोग कहते हैं अनकाउंटेबल नॉन। ये तो गलना बड़ा बड़ा पेचीदा होने वाला है सर, कि कलेक्टिव नॉन अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल को भी रखता है, और सॉरी कलेक्टिव नॉन अपने आप में काउंटेबल नॉन को भी रखता है और अनकाउंटेबल नॉन को भी रखता है। चीजों को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। देखिएगा एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, चीजों को जरा गौर से सुनिएगा। जैसे देखिए अगर मैंने बोला कि द बेबी, बेबी क्या होता है सर? बेबी प्रेटी गर्ल्स, कलेक्शन ऑफ प्रेटी गर्ल्स कहें, प्रेटी प्रेटी वीमेन कहें। ओके तो बेबी अगर हम लोग इसको एक्सप्लेन करें, ये अपने आप में क्या हुआ सर? द बेबी, बेबी किसका? ओके तो बेबी किसका? कलेक्शन, कलेक्शन किसका? ओके तो कलेक्शन के बारे में कुछ तो बोलिएगा। जैसे हमने अभी एक लिखा था ना द गैंग, तो गैंग किसका? गैंग किसका होता है? ओके तो गैंग किसी का भी हो सकता है भाई साहब, गैंग थिप्स का भी हो सकता है, गैंग रॉबर्स का भी हो सकता है। तो वो जो रॉबर्स, जरा सोचिएगा कि सर जो हम लोग उसके बाद में जो वर्ड्स यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा कि द बेबी ऑफ, हम लोगों ने एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया सर? द बेबी
ऑफ एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने एक प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने लिख दिया गर्ल या गर्ल्स। अब इस चीज को समझने की जरूरत है सर कि यहाँ पे द बेबी ऑफ गर्ल होगा या गर्ल्स होगा। बड़ा अजीब सी बात है कि सर यहाँ पे ये जो बेबी होगा, बेबी किसका होगा, गर्ल का होगा या गर्ल्स का होगा। तो जरा गौर कीजिएगा इस सेंटेंस में, इस वर्ड के ऊपर। बेबी क्या होता है? बेबी अपने आप में होता है कलेक्शन। तो कलेक्शन किसी एक का होगा या मोर देन वन होगा। जरा सोचिए इस बात के हो कि सर अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि द बेबी, तो बेबी एक क्या है, कलेक्शन है। तो कलेक्शन किसी एक का हो सकता है या मोर देन वन हो सकता है सर? तो आपका जवाब आएगा कि सर कलेक्शन तो हमेशा एक से अधिक का होता है। अगर ये एक से अधिक का है तो ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है भाई साहब? प्लूरल को। अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा प्लूरल को, तो इसके आगे आने वाला जो वर्ड्स होगा, इसके आगे आने वाला जो वर्ड होगा जिसके बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, जिसके बारे में ये जो बेबी नामक जो वर्ड है, ये जो वर्ड है वो एक्सप्लेन करने की जो कोशिश कर रहा है, क्या वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? तो सर जाहिर सी बात है कि अगर ये प्लूरल होगा तो प्लूरल को ही रिप्रेजेंट करेगा, ये तो कभी सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर नहीं सकता। तो जब भी होगा तो क्या होगा सर? गर्ल्स। अब यहाँ पे एक बात पल्ले पड़ती है भाई साहब, एक बात क्या पल्ले पड़ती है कि सर अगर हम लोग कुछ देर के लिए ऐसा सोचें, अगर हम लोग कुछ देर के लिए ऐसा सोचें, थोड़ा सा पेचीदा सा हो गया, मैं ऊपर साफ करता हूँ। ओके, इधर में आप लोग इसे एक स्क्रीन शॉट लेना चाहे तो ले ले, देखिएगा चीजों को। मैंने क्या लिखा था कि द बेबी ऑफ द गर्ल या गर्ल्स। अब जरा सोचिए कि बेबी जो है अपने आप में क्या है सर? एक कलेक्शन है, कलेक्शन। और कलेक्शन किसको शो करता है? ग्रुप को शो करता है। तो ग्रुप एक लड़की का हो सकता है, ये एक से अधिक लड़की का हो सकता है। तो जाहिर सी बात है सर कि एक से अधिक लड़की का हो सकता है, तो यहाँ पे ये सही होगा। ओके, अब यहाँ पे बात बनती है सर कि क्या इसका प्लूरल बनाया जा सकता है? क्या हम लोग ऐसे कर दें कि द बेबीज ऑफ द गर्ल्स? क्या हम लोग ऐसे कर सकते कि द बेबीज ऑफ द गर्ल्स? आप कहेंगे सर आप तो मजे ले रहे हो, जब ये ऑलरेडी कलेक्शन है तो कलेक्शन का प्लूरल भला कैसे बना सकते हैं? जरा सोचिए कि सर अगर हम लोग बोलते हैं द बेबीज, तो द बेबीज ऑफ द गर्ल्स, अगर हम लोग ये जो है ये कलेक्शन को शो करता है, तो कलेक्शन किसी प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भला कैसे प्लूरल हो सकता है? इसका प्लूरल तो कभी पॉसिबल है ही नहीं मेरे दोस्त। क्यों नहीं है सर? क्योंकि ये अपने आप में शो करता है कलेक्शन को, और कलेक्शन हमेशा होता है प्लूरल। रिप्रेजेंट किसको करेगा? प्लूरल। अगर यहाँ पे एग्जामिनर इरर देने की कोशिश करेगा सर, तो इस तरह से इरर दे सकता है, कर सकता है ऐसे कि द बेबीज ऑफ द गर्ल। ओके, द बेबीज ऑफ द गर्ल कर सकता है कि द बेबी ऑफ द गर्ल। जरा सोचिए, एग्जामिनर आपसे हर क्षण गलतियां करवा सकता है सर। हम लोग कह सकते हैं क्या कि द गैंग ऑफ द थिप्स, यहां पे थिप्स की जगह पर थिप भी कर सकता है, कट रहा है सर। ओके, यहां पे थिप्स की जगह पर वो थिप भी कर सकता है। जरा देखिए चीजों को ऐसे समझिए। तो बस इतना याद रखिएगा भाई साहब कि जब ये अनकाउंटेबल को शो करेगा तो एक कलेक्शन होगा, और कलेक्शन का कभी भी प्लूरल नहीं होता, क्योंकि वो कलेक्शन अपने आप में प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है सर। ओके, और उसका प्लूरल कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। तो याद रखिएगा क्या कि अगर हम लोग बनाने की कोशिश करें तो क्या होगा सर? एक होगा कलेक्शन, और कलेक्शन के बाद कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक आएगा प्रीपोजिशन ऑफ, और उसके बाद में हम लोग एक नाउन का यूज करेंगे। वो नाउन अपने आप में कैसा होगा? हमेशा प्लूरल। वो जो नाउन होगा वो नाउन अपने आप में होगा हमेशा प्लूरल। याद रखेगा इस बात को कि सर अगर हम लोग कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं, तो कलेक्टिव नाउन अपने आप में सिंगुलर भी हो सकता है मेरे भाई, और प्लूरल भी हो सकता है। अब अगर मैं बात करूँ एक सिंपल से एग्जाम्पल कि भाई जरा अब बताओ मेरे को कि ये जो बॉय है, ओके, ये जो बॉय है, बॉय कौन सा नाउन है?
काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, जरा सोचिए। ओके, जरा आप सोच कर बताइए कि सर बॉय अपने आप में काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। आप तो तुरंत धड़ल्ले से कहोगे भाई साहब कि बॉय अपने आप में कॉम सॉरी बॉय अपने आप में काउंटेबल नाउन है, यही तो कहोगे ना। क्यों? क्योंकि आप इसका बोइस कर सकते हो, लेकिन लेकिन कॉन्टेक्स्ट याद रखिएगा सर। कॉन्टेक्स्ट क्या याद रखिएगा कि अगर हम लोग बात करते हैं बोइस की, अगर हम लोग बात करते हैं बॉय की, तो भाई साहब जब तक इसको सेंटेंस में ना पिरोया जाए, जब तक इसको सेंटेंस में यूज ना किया जाए, आप डायरेक्टली किसी भी वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिक्लेरेशन नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं बोलूं कि बॉय इज माई टीचर, बॉय इज माई टीचर, अच्छा सोचिए बॉय, तो बॉय यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रॉपर नाउन को। ये जो बॉय है बॉय अपने आप में क्या है? तो सर प्रॉपर नाउन हो गया। तो बॉय यहाँ पे काउंटेबल नाउन हुआ या अनकाउंटेबल नाउन हुआ? तो अब क्या हुआ सर? तो अब आपका दिमाग घूमा घुमा तो क्या बोलोगे सर, ये तो बड़ा अजीब सी बात हो गई, आपने तो हमें चकमा दे दिया। सर ये बॉय जो है यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो भाई साहब याद रखिएगा कि ऐसे ऐसे वर्ड्स को जब तक हम लोग सेंटेंस में नहीं देखने, तब तक हम लोग नहीं समझ सकते कि वो जो दिया हुआ वर्ड है वो अपने आप में काउंटेबल है या अपने आप में अनकाउंटेबल है। तो चलिए भाई साहब एक न्यूज़, गुड न्यूज़ दे दूं कि जो आज आप लोगों ने पढ़ा ना कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन से बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, और इसका जो होता है पीडीएफ मैं आज टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से देखिएगा। कल इसके बारे में विशेष गणना करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम स्टे सेफ। और भाई साहब एक बात कर दूं कि थोड़ा लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, अपने दोस्तों के साथ हो सके तो शेयर किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।